हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त ओला S1 प्रो में बैठा हुआ हूं और बेसिकली आज मैं इसका क्रूज कंट्रोल सिस्टम के बारे में डीपली बताने वाला हूं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं हमारी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इसका क्रूज कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट कैसे करें, कैसे इसको कंट्रोल करें और कैसे काम करता है। तो बेसिकली आज मैं इसको लाइव दिखाने वाला हूं, चला के आपको समझाने वाला हूं कि क्रूज कंट्रोल सिस्टम को कैसे आप ऑपरेट करें, कैसे ये काम करता है। तो अगर आप ओला S1 प्रो लेने वाले हैं या फिर ओला की कोई भी गाड़ी लेने वाले हैं जिसमें क्रूज कंट्रोल सिस्टम आती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसे थोड़ा भी स्किप ना करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ओला S1 प्रो में क्रूज कंट्रोल सिस्टम आती है जिसमें सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर का एक बटन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ एक घड़ी टाइप का आपका वॉच टाइप का सिंबल का एक बना हुआ है जिसे क्रूज कंट्रोल का सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 12 फंक्शन बटन से आप रियर भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं और इसी बटन से आप क्रूज कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो देर ना करते हो, मैं सीधा आप इसको आपको लाइव दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बटन है आप देख सकते हैं, ये रिवर्स के लिए भी है और जैसे कि मैंने बताया और क्रूज कंट्रोल के लिए भी है। तो अभी देखिए, अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल, पहले आप इसको रनिंग मोड में ले आइए। देखिए अभी जैसे ही ये नॉर्मल रनिंग मोड में आ गई है, अगर जीरो स्पीड, तो अगर आप यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रिवर्स मोड एक्टिवेट हो गया। अब रिवर्स के लिए आपको एक्सीलेटर सीधा लेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। रिवर्स के लिए आपको एक्सीलेटर जो है वो आपको रिवर्स लेना होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे, जस्ट ऐसे करना होगा। ये देखिए गाड़ी कैसे स्पीड जा रही है और यहाँ पे स्पीड भी शो हो रहा है, 2 का स्पीड में 3 का स्पीड में, देखिए है ना। ये आपको उल्टा लेना पड़ेगा एक्सीलेटर, ठीक है। और जस्ट आपको इसको हटाने के लिए सिंपल यही बटन को प्रेस कर दे, ये वापस से रनिंग मोड में आ गया। अभी देखिए सीधा एक्सीलेटर लेंगे तो ये आगे जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे सीधा एक्सीलेटर ले रहे हैं तो ये सिर्फ आगे की ओर बढ़ रहा। अभी क्रूज कंट्रोल सिस्टम देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या है कि जो स्पीड है आपका, अभी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का मतलब ही हुआ है कि आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी बटन अगर आप प्रेस कर देंगे तो वही स्पीड लिमिट में चलती रहेगी। तो ये काम कैसे करता है, मैं थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए जैसे गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती है, तो अगर मैं यहाँ पर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ देखिए एक बीप करके आवाज़ आया और उसके बाद क्रूज कंट्रोल ऑन नहीं हो रहा है, लग नहीं रहा, क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि शायद उसका कुछ सिस्टम है ख़राब हो जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके बाद ये हट जा रहा है और एक बीप सा आवाज़ आ रहा है। देखिएगा, देखिए नहीं हो रहा, वापस से मुझे एक्सीलेटर लेना पड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि क्रूज कंट्रोल सिस्टम वर्क तभी करेगा जब आपका स्पीड 20 से ऊपर रहेगा। तो जैसे मैं देखिए 20 से ऊपर कोई स्पीड ले जाता हूँ, स्पीड लिमिट यहाँ पे देखिए 20 चला गया। अब मैं इसको बटन को प्रेस करूंगा तो इसको छोड़ दूंगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला सिंबल हो गया। अभी देखिए एक्सीलेटर छोड़ दिया हूँ, अभी देखिए 22 है तो 22 में ही रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ाव भी है, देखिए यहाँ पे चढ़ाव भी है और वहाँ पे देखिए, देखिए 21 हुआ, वापस से 22, मतलब कि अगर स्पीड स्लो हुआ तो अगेन पावर लगा मोटर में। फिर देखिए 23 हो गया, फिर 22, मतलब ढलाव हुआ तो फिर उसके बाद गाड़ी ब्रेक भी लगाई, मतलब किसी भी तरह से करके, चाहे वो स्पीड देके या फिर ढलाव कर करके। देखिए जैसे ही स्पीड कम होगा मोटर जो है पावर लगा, देखिए 21 हुआ, मोटर पावर लगा के अगेन 22 कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 22 अभी सेफ लिमिट है। अभी देखिए जैसे ही वहाँ ढलान होगा, गाड़ी 23 जैसे होगा वैसे ब्रेक लगा देगा, फिर वापस से 22 है, अभी मोटर का पावर लग रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए अभी गाड़ी जो है ढलान में ब्रेक लगा के कंट्रोल कर रही है, ज़्यादा ब्रेक हो जा रही है तो अगेन फिर से देखिए 21 22, जैसे ही पावर चाहिए, सपोज अगर स्लो हो गया गाड़ी तो पुश करेगी गाड़ी, और अगर ज़्यादा स्पीड हो गई है तो वापस से ब्रेक लगा के 22, मतलब जो आपका जो सेट लिमिट है उसी लिमिट के अंदर में ये गाड़ी लाती है। ये है क्रूज कंट्रोल का असली काम। अब इसको हटाना कैसे है, तो सपोज आप कुछ भी कर दे, सपोज आप यहाँ पे ब्रेक भी दबा दे, तो ये देखिए क्रूज कंट्रोल हट गया। अगेन वापस से लगाने के लिए आपको 20 से ऊपर होना चाहिए स्पीड, यहाँ पे देखिए, उसके बाद बटन दबा के इसको छोड़ दें। अभी देखिए 25 में सेट है, ठीक है। अब फिर ब्रेक दबाए थे, इस बार क्या करें, पीछे वाला ब्रेक दबा दें, देखिए ये हट गया, तो अगेन फिर से क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया। अब हटाने के लिए आप कुछ भी करते हैं, एक्सीलेटर ले लें, ये देखिए एक्सीलेटर लेने से भी फिर हट गया। फिर अगेन मैंने क्रूज कंट्रोल सिस्टम को ऑन किया, अब एक्सीलेटर तो सीधा लिए, अब उल्टा भी एक्सीलेटर लेके देख लीजिए, देखिए उल्टा लेने से भी हट गया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप देख सकते हैं कुछ भी करेंगे तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक हट जाएगा, चाहे आप आगे ब्रेक ले या पीछे ले या फिर एक्सीलेटर सीधा ले या फिर उल्टा ले, कुछ भी करेंगे तो ये, इवन आप बटन को भी प्रेस करेंगे, देखिए मैं बटन को प्रेस करूंगा, देखिए अभी
चढ़ाव है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि गाड़ी पुश कर रही है। देखिए अभी वापस से बटन दबाएंगे, ये हट गया, देखिए फिर से प्रेस करेंगे तो ये क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सब तरह से टेस्ट करके बता दिया। तो गाइस बहुत सारे लोग सोचते भी हैं और समझ भी आता है कि क्या होगा कि अगर चलते चलते गाड़ी में रिवर्स लगा दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा कि अगर स्पीड बिलो 20 किलोमीटर पर आवर है तो आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो सपोज अगर आपका स्पीड स्लो है या फिर कम है तो अगर आप उसमें रिवर्स करेंगे तो रिवर्स लगेगा ही नहीं, वो क्रूज कंट्रोल में काम हो जाएगा। जैसे ही अगर आपका गाड़ी आगे बढ़ रहा है 20 से ऊपर रहेगा तो वो क्रूज कंट्रोल में हो जाएगा, 20 से नीचे रहेगा तो लगेगा ही नहीं। और जीरो जब तक नहीं होगा तब तक वो रिवर्स नहीं होगा, जब तक आपका जीरो स्पीड ना हो जाए तब ही रिवर्स होगा। अदरवाइज अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का भी स्पीड है तो आपका रिवर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।